नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं DDUGU गोरखपुर के CBCS पैटर्न जो BEd द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आज से हम लोग फर्स्ट पेपर जिसका कोड है EDU BEd 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए पहले एक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है वह है, शैक्षिक प्रशासन के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक प्रशासन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को सामान्यतः शिक्षा की व्यवस्था करने वाले एक विभाग के तौर पर देखा जाता है। तो वास्तव में इसका अर्थ इससे कई अधिक व्यापक होता है। शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को समझने से पूर्व हमें यह आवश्यक है कि पहले प्रशासन के अर्थ को समझा जाए, यानी कि आपके सुविधा के लिए मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न से पहले एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पर विचार करेंगे। तो पहला प्रश्न जो आपके सम्मुख है, शैक्षिक प्रशासन के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, यानी कि शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करना है। तो शैक्षिक प्रशासन जिसे अंग्रेजी में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है को सामान्यतः शिक्षा की व्यवस्था करने वाले एक विभाग के तौर पे लोग प्रायः देखते हैं, परंतु वास्तव में इसका अर्थ इससे कई अधिक व्यापक होता है। शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को हमें अच्छी तरह से समझने से पूर्व आवश्यक है कि पहले हम लोग प्रशासन के अर्थ को समझा जाए। तो आइए प्रशासन के अर्थ को समझें। प्रशासन का अंग्रेजी रूपांतरण है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका निर्माण लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुआ है। मिनिस्टर शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो सदैव दूसरों के हित में कार्य करें। ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है कार्यों का निष्पादन करना। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और यह अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुआ है, और लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो सदैव दूसरों के हित में कार्य करें। और ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है कार्यों का निष्पादन करना अथवा प्रबंध करना। आइए अब शैक्षिक प्रशासन के अर्थ पर विचार करें। तो शैक्षिक प्रशासन अनेकों प्रशासनों में से ही एक है, परंतु अन्य प्रशासनों की अपेक्षा शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में अधिक सावधानी बरती जाती है। छह वैज्ञानिक धारणाओं के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी पालन करता है। यह विद्यालय के अंतर्गत अपने कार्यों का संपादन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, अर्थात यह विद्यालय के साथ साथ सामाजिक विचारधाराओं को नियंत्रित कर उनका विकास करने में भी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करता है। तो शैक्षिक प्रशासन का जो अर्थ है उसे आप देख रहे हैं कि शैक्षिक प्रशासन अनेक प्रशासनों में से ही एक है, परंतु यह अन्य प्रशासनों की अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक धारणाओं के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी पालन करना पड़ता है। यह विद्यालय के अंतर्गत अपने कार्यों का संपादन करता है। जैसा कि DV महोदय का कथन था, विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, हम इसे जानते हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय के साथ साथ सामाजिक विचारधाराओं को नियंत्रित कर उनका विकास करने में भी शैक्षिक प्रशासन अपनी
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आइए शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। शैक्षिक प्रशासन शिक्षक और छात्रों के मध्य अधिगम युगम वातावरण का निर्माण करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। शैक्षिक प्रशासन विद्यालय के समस्त कार्यों हेतु आवश्यक सामग्रियों का प्रबंध करता है और साथ ही साथ शिक्षा की क्रियान्वयन व्यवस्था एवं समय सारणी का निर्माण करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। शैक्षिक प्रशासन छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु भी प्रयास करता रहता है और साथ ही को करिकुलम एक्टिविटीज का प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर निर्वहन करता है। यानी अगर देखें तो शिक्षक और छात्रों के मध्य अधिगम को सुगम बनाने के लिए वातावरण का निर्माण भी शैक्षिक प्रशासन करता है और शैक्षिक प्रशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का भी प्रयास करता है और साथ ही साथ यह विद्यालय के कार्यों हेतु आवश्यक सामग्रियों का भी प्रबंध करता है और शिक्षा की क्रियान्वयन व्यवस्था समय सारणी का निर्माण करने में भी अपनी अहम भूमिका को निभाता है। यह प्रशासन छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु भी प्रयास करता रहता है। समय समय पर अनेक पाठचर्या कार्यक्रमों का भी प्रबंध करता है। तो इस प्रकार हम लोग शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को समझें। शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को और अधिक अच्छे तरह से समझने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर विचार कर लिया जाए तो शैक्षिक प्रशासन की जो परिभाषाएं हैं भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपना भिन्न भिन्न मत दिया है। आइए कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर विचार करें। पहली परिभाषा है मार्स और रास के अनुसार छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना एवं अध्यापकों की सहायता से समूहों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना। इस प्रकार मार्स और रास के अनुसार यह परिभाषा है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना एवं अध्यापकों की सहायता से समूहों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा मार्स और रास महोदय की है। दूसरी परिभाषा है बीस और रफनर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह परिभाषा बीफ और रफनर महोदय की है कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि उपर्युक्त इन दोनों परिभाषाओं पर विचार करें तो प्रशासन शैक्षिक प्रशासन वह है जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अध्यापकों की सहायता करता है एवं यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का कार्य करता है। आइए अब प्रश्न को ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। यह परिभाषा किसकी है या किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा जेबी सियर्स महोदय की है। दूसरा प्रश्न है पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो पुनरीक्षण समिति की स्थापना डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 है पोस्ट
कार्ब फार्मूला किसने दिया है? तो पोस्ट कार्ब फार्मूला लूथर गुलिक महोदय का है, और पोस्ट कार्ब का विस्तारित रूप है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। हिंदी में देखें, नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन तथा बजट। इस प्रकार पोस्ट कॉर्ब का यह विस्तारित रूप है, तो आप इसे तैयार कर लें। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। पोस्ट कॉर्ब फार्मूला किसने दिया, यह प्रश्न जरूर बनेगा, तो आप तैयार कर लें कि लूथर गुलिक का है। चौथा प्रश्न है, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना तथा नियोजन करना, उपदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना है, यह किसने कहा? तो यह हेनरी फियोल ने कहा कि प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना तथा नियोजन करना, उपदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना है। आइए प्रश्न संख्या 6 पर विचार करें। प्रश्न संख्या 6 है, शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात किसने किया? तो शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात लूथर गुलिक द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 7 है, प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? तो प्रशासन को नीति के रूप में प्रोसे महोदय ने लिया था। प्रश्न संख्या 8 है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। तो आपसे इसी प्रकार के फर्स्ट पेपर में प्रश्न बनने की संभावना है। आप इसे तैयार करें और मैं भी भरसक प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समय समय से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाऊं। तो आइए प्रश्न संख्या 9 को देखें, सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक SN मुखर्जी हैं। प्रश्न संख्या 10 है, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है। तो यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है, बिना बोझ के शिक्षा। प्रश्न संख्या 11 है, प्रबंधन लोगों के कार्य करने की कला है, यह किसने कहा? तो प्रबंधन लोगों के कार्य करने की कला है, यह परिभाषा जॉर्ज टेरी महोदय का है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 12 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विषय था। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विषय था, सबके लिए शिक्षा। प्रश्न संख्या 13 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? तो इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 है, 1964 में केंद्र सरकार द्वारा गठित शिक्षा आयोग जिसकी सिफारिश पर देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत कोठारी थे, जे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और कोठारी समिति की स्थापना 1964 में केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी, जिसे शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसी के सिफारिश पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। आइए अगले प्रश्न को देखें।
प्रश्न संख्या 15 है। भारत में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्था है, तो भारत में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में विकेंद्रित व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 16 है। सर्व शिक्षा अभियान में प्रबंधन सूचना तंत्र किन स्तरों में विभाजित होता है? तो सर्व शिक्षा अभियान में प्रबंधन सूचना तंत्र 3 स्तरों पर विभाजित होता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर एवं मंत्रालय स्तर पर। प्रश्न संख्या 17 है। ओपन स्कूल में 10वीं कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो ओपन स्कूल में 10वीं कक्षा में प्रवेश हेतु जो न्यूनतम आयु है वह है 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 18 है। विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है, तो विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है नेतृत्व। प्रश्न संख्या 19 है। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए नीति का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है बुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 है। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई? तो विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की गई थी। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 21 है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक को प्रकाशित कराया? सही उत्तर है वुड्रो विल्सन ने 1887 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 22 है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर की गई, जिसकी स्थापना 1948-49 में की गई थी। प्रश्न संख्या 23 है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की अनुशंसा पर की गई, जो 1953 ईस्वी में की गई और जिसे वैधानिक मान्यता 1956 ईस्वी में दी गई। तो आपसे यहाँ पर कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा या सिफारिश पर की गई? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी में। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक मान्यता कब मिली? तो 1956 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 है। राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपत कौन होता है? तो राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपत उस राज्य का राज्यपाल होता है। प्रश्न संख्या 25 और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की स्थापना सन 1963-64 ईस्वी में की गई थी। तो मित्रों, आज हम लोग फर्स्ट पेपर से संबंधित एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न और 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे। प्रश्न और बनाने का मैं इच्छुक था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती जो आपको बोरिंग लगती, इसलिए मैं इसे 20 मिनट के अंदर ही समेटने का प्रयास किया हूँ। इसके बाद और डिस्क्रिप्टिव और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।